मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, 8 साल का एक 11 साल का लड़का है। वो दिन सुबह रात पीन पीते रहता है और उसको समझाएगा तो भी बोलता है मेरे इसमें मैं कितना भी पिएगा तू कौन होते। तो मैं रोज बच्चों को त्रास देने का, खाने में त्रास करने का। कहावत है कि शराब के चलते तक तो ताज भी फूक गए, और ये कहावत नालासोपारा पूर्व स्थित प्रगति नगर में देखने को भी मिली। आपको बता दें कि नालासोपारा प्रगति नगर के जय माता दी इमारत के एक फ्लैट में आग लग गई और फ्लैट का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर वसई विरार मनपा की दमकल की गाड़ी व पुलिस विभाग पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। वहीं फ्लैट में रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पति शराब में धुत रहता है और उसे और उसके बच्चों को भी मारा पीटा करता है, और कहीं ना कहीं ये आग भी उसी के चलते लगी है। मैं बाड़े पे रहती हूँ, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, 8 साल का एक 11 साल का लड़का है। तो रोज़ मैं नाइट में जाती हूँ, मैं आने विनायक हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो बच्चे लोग को रोज छोड़ के जाती हूँ उसके द्वारा भरोसों पे। वो दिन सुबह रात पीन पीते रहता है और उसको समझाएगा तो भी बोलता है मेरे इसमें मैं कितना भी पिएगा तू कौन होते। तो मैंने छोड़ दिया, अपने आप रह गया। आता है रात, सुबह में आता है, शाम को चला जाता है, घर में रहता है, मैं किधर जाता भी नहीं है। एक तो किसी का मगज वरना किसी आजू बाजू वाला घर पे जाने को मिलता है। मेरा काम ही मेरे को ज़्यादा था, 12 घंटा ड्यूटी का, रोज़ बच्चों को त्रास देने का, खाने में त्रास करने का, और पढ़ाई सिखाता नहीं, पढ़ने का बोलते खुद उसका भी सब किताब, छोटा बच्चा दो क्लास भी पढ़ा नहीं, वो बच्चों को बोलते मेरा हिसाब भी करने का और मेरे जैसा तू बनना चाहिए। तो ऐसे धमकी देते थे बच्चों को, डरा के रखा। तो बच्चे लोग रोज़ बोल रहा मम्मी इसके साथ रहना नहीं, हम किधर भी जाएगा चलेगा। तो परसों भी ऐसे खाना बासी खाना बना के दिया बच्चों को और खुद अच्छा चावल बना के खाया बोलता है। मैंने खिचड़ी दोपहर का था, मैं बच्चे लोग खा लो, तो रात को वही दिया बच्चे लोग खाया नहीं, और आपको उसको बच्चों को दिया और दूसरा बना। और दूसरे दिन चटाई भी बोलते हैं, चटाई भी नहीं, ऐसे सोने का तुम लोग को सजा ही है। ये इतना छोटा बच्चों को सजा देने वाला कौन है? इसकी शिकायत की आपने कंप्लेन किया? कल मैंने गया पीर, मैं बोला परसों बच्चा डर रहा था, मैं भी हॉस्पिटल में जाता, मैं बोला अभी कोरोना पेशेंट सब खा लेके जाएगा बच्चे, तो उसके लिए मैंने रुका उस दिन। कल रात्रि गया नहीं काम पे, और मैंने उसको बोला तुम क्यों बच्चे को रोज सताते हो? भाड़ा भरती हूँ मैं, मेंटेनेंस भरती मैं, लाइट बिल भरती मैं, गैस भरती हूँ मैं, यहाँ पर रेंट पे रहती हूँ, भाड़े पे रहती हूँ मैं। उन्होंने क्यों आग लगाई आज? क्या हुआ आज? कल भी ऐसे ही किया तो बोल दिया, तो मैं बाद में अपने आप सुबह चुप हो गई। मैं भी बोला आजू बाजू में वो बहुत चिल्लाते रहते, रोज पार्क मारता भी है मेरे को पी के। आपके परिवार से किसी भी सदस्य को क्या इस आग लगने की वजह से? मैं अभी तक पहुँचने पर, मैं अभी पुलिस स्टेशन गई थी, फिर से मशीन तोड़ने लग गया आके मेरे को मारने का है, तो मैं बच्चों को पहले ही छोड़ दिया। मारते ही बोल के मालूम ही था यार, दोपहर का के पी के मारने वाला तो बच्चे डर जाएगा। तो मेरा काम करने वाला मामा है, उधर रखा मैंने। कैसे आग लगाई उन्होंने? मैं जैसा पुलिस स्टेशन गई उधर पहुंचा, तब तक तो पुलिस बोला 6 बजे तक रुको हम लोग आ जाए। उसको बुलाया वो नहीं आया, कल भी बुलाया वो लोग नहीं आया उधर, तो बोला शाम तक 6 बजे तक आता है नहीं तो हम लोग आ जाएगा, आप 6 बजे। तो इसके द्वारा मैं विनायक हॉस्पिटल में गया, मैं उधर जाके सेठ को सेठ बोला है कि सर कुछ रहे तो हमको बता, तो मैं उधर गया, उधर जाके पहुंचा नहीं। आपने महिला की बात तो सुनी होगी, एक महिला 12 घंटा मेहनत कर घर चलाती है और घर का पुरुष शराब पीकर मर्दानगी झाड़ता है। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। पालघर जिले के बोईसर तारापुर MIDC में लगी भीषण आग।